नमस्कार, स्वागत है आज की ताजा न्यूज में। हम छोटी छोटी बातों को बदलेंगे ब्रेकिंग न्यूज में। और भाई कैसी है पब्लिक, स्वाद भी मेरे पास काफी सारी न्यूज है, सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। ओके, देन बात कर लेते हैं आज के शाउट आउट की। तो वो जाता है सुनैन गेमिंग, आरडीएक्स गेमिंग, कार्तिक जैन और निशा को। तो जिस टाइम मैंने कमेंट पिक किया था उस टाइम इनके कमेंट पर 0 लाइक था। तो अगर आप लोग भी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और जिसके कमेंट पर 0 लाइक होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिल जाएगा। ओके, देन बात कर लेते हैं आज की फर्स्ट न्यूज की, जो कह रही है एसजीओ वर्सेस सिंगल की कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये कॉन्ट्रोवर्सी एंड हो चुकी है, क्योंकि अब इस पे किसी भी तरफ से कोई भी बात नहीं हो रही है। मतलब कि किसी भी पर्सन ने एक दूसरे को दोबारा से रिप्लाई नहीं किया है, और ड्रीम बॉय ने भी अपनी कल वाली स्ट्रीम में ये कंफर्म कर दिया है कि ये कंट्रोवर्सी एंड हो चुकी है। तो बाकी देखो तुम लोग वो क्या बोले। भाई एज़ियो भाई का कंट्रो का क्या होगा, कंट्रो? अच्छा वो अबे वो भाई वो कंट्रोवर्सी थी भी नहीं, ठीक है? उसको तुम कंट्रोवर्सी में इंक्लूड भी मत करो, इट वाज नॉट कंट्रोवर्सी। अगर उसको कंट्रोवर्सी कहते हैं तो बस भाई, फिर तो मेरी रोज मेरे पापा मम्मी के साथ कंट्रोवर्सी होती है घर पे। वो कंट्रोवर्सी नहीं था भाई, इट इज़ लाइक कि मैं तेरे लिए ये किया, तूने मेरे लिए ऐसा कर दिया, यार दिस इज नॉट गुड भाई, बस दैट्स इट, इतना ही था, उससे ज्यादा मत सोचो उस चीज को। और जैसे कि अगर तुमने एसजीओ का ये वाला स्ट्रीम देखा होगा, तो उसमें एसजीओ ने बोला था कि वी वोंट एरर एज पोर्ट 266 बैक। अब इस पर मिस्टर एरर ने ये कम्युनिटी पोस्ट करी है अपने चैनल पे, वी वोंट एरर बैक। ओके, देन बात कर लेते हैं आज की अगली न्यूज की, जो की है इस चैनल से रिलेटेड। तो ये एक माइनक्राफ्ट चैनल है जिसपे रेगुलर वीडियो आते रहते थे, बट पिछले 2 दिन से इस चैनल पे कुछ ऐसे चाइनीज लैंग्वेज में वीडियोज आ रहे हैं, और जहां तक मुझे लगता है कि ये चैनल हैक हो चुका है। ओके, देन बात करते हैं आप अगली न्यूज की, जो की डार्क वेब गेमर को लेकर। तो डार्क वेब गेमर के 100K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो इसलिए डार्क वेब ने ये पोस्ट करी 100K विथ क्वेश्चन मार्क। तो जब आप लोग ये वाला वीडियो देखोगे तो शायद से इनके 100K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। ओके, देन बात करते हैं आप अगली न्यूज की, जो की टोटल गेमिंग को लेकर। तो टोटल गेमिंग ने एक फ्री फायर का वीडियो पर डाल दिया है, और अपने सब्सक्राइबर से बोला है कि इस वीडियो पे 17,000 कमेंट हो जाएंगे तो वो ये वीडियो पब्लिश कर देंगे। ओके, देन बात करते हैं आप लोग न्यूज़ की, जो कि गेमर फ्रीड को लेके। तो क्या गेमर फ्रीड की देव के साथ फाइट हो गई है? तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये रील मुझे शेयर करी, तो सबसे पहले आप लोग वो रील देख लो। कैसी लग रही है गाड़ी भाई? एकदम मस्त लग रही है, बढ़िया है, बट इतने में तो 5 फॉर्च्यून आ जाए। ये लोग एज फन में ये रील बनाए हैं, आप लोग समझ गए होंगे, और इन दोनों के बीच में कोई भी फाइट नहीं हुई है। ओके, देन बात करते हैं आप लोग लिनक्स की, जो करे सेनपाई स्पाइडर को लेके। तो सेनपाई ने खतरनाक निशान की एसएमपी पालवल एसएमपी को ज्वाइन कर लिया है। तो सेनपाई के एसएमपी ज्वाइन करने के बाद सबका क्या रिएक्शन था देखो तुम लोग। अटैक क्यों कर रहा था? हेलो, अरे ऐसे तो दिखा रहा है यहाँ पे बंदा करके। भाई आपने कब ज्वाइन किया ये? भाई मैं आप लोग के साथ ही था, आप लोग को देख रहा था आपके बेस से, इनफैक्ट थोड़ा सा सामान भी चुराया, उसके लिए माफ कर देना भाई। मारो इसके सामान क्यों चुरा भाई? अरे को चोर समझते हैं ये दोनों। अरे नहीं यार, चोर नहीं, देखो अच्छा बंदा हूँ, दिल का अच्छा बंदा हूँ, दोस्त हूँ, एक दूसरे में क्या जाता है यार? मुझे तो लगता है पोकेमॉन भी चुरा है। नहीं, सामान चोरी करने की जरूरत नहीं थी, हम दे देते भाई नए बंदों को हमेशा यहाँ पे। ओके, देन बात करते हैं आप लोग न्यूज़ की, जो कि डीसी वुल्फ प्लेस को लेके। तो इन भाई को तो आप लोग जरूर से जानते होंगे, ये लापता एसएमपी के मेंबर हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने यूट्यूब को अगले 10 महीनों के लिए क्विट कर दिया है, क्योंकि इन्हें नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो ऐसे में बाकी वो क्या कुछ बोले देखो तुम लोग। तो सबसे पहले बात करते कि मैं YT क्यों छोड़ रहा हूँ। मैं सच बताऊँ तो मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ 12th क्लास में फिलहाल, जिसके कारण मुझे पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है YouTube से। बट मैं पढ़ाई YT के साथ भी तो मैनेज कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं अभी 12th में होने के साथ साथ नीट 2025 के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिसके कारण मुझे दिन के 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ता है, और इतना पढ़ने के बाद मैं YT के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता, इसलिए आई एम क्विटिंग यूट्यूब। अगर तुम वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा रिवाइंड करते हो तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं YT से कभी भी बोर नहीं हो सकता। इसका मतलब इन फ्यूचर मैं YT जरूर से कंटिन्यू करूंगा। और अभी से तुम नीट तक का टाइम गैप देखते हो तो मेरे पास 10 महीने बचते हैं, यानी कि मैं 10 महीने बाद ही YT कंटिन्यू कर पाऊंगा। ओके, सो आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।